हेलो एवरीवन, हम सीखेंगे पेपर क्राफ्ट वॉल हैंगिंग, जिसे बच्चे अपने घर में अपने इजी से कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। एक मेथड इजी बता रहे हैं, उसके बाद इसको आप अलग अलग पैटर्न्स में भी कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड के लिए हमें चाहिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ सीजर, कैंची और फेविकोल की मदद से हम आराम से बना सकते हैं इसको। पेपर क्राफ्ट कहीं कॉम्पिटिशन हो तब भी इसे बना सकते हैं, या घर के डेकोरेशन को भी बना सकते हैं। तो सिंपल मेथड में देखिए, कार्ड शीट लीजिए, हार्ड कार्ड लें तो अच्छा रहता है, या तो आप किसी बॉक्स के कटिंग वर्क भी ले सकते हैं। तो उसका ये सबसे पहला बेस है उसका, हमें इसे गोल कट कर लिया है और उसको फेविकोल की मदद से हमें ये पेपर्स कटिंग चिपकाना है। तो सीधा साधा सा मेरा वॉल हैंगिंग के लिए तैयार है, रेडी। देखिए इसको हम हैंगिंग करना है तो पहले ही उसको थ्रेड, अच्छा मोटा सा थ्रेड लेकर उसको डबल कर लें और इस तरह से पहले उसको अटैच कर लें। पीछे से जो है गम लगाते वक्त उसको इस तरह से लगा लें, उसके बाद ऊपर से पेपर चिपकाएं। अब पेपर लगाकर हमें गम लगाए हुए उसके ऊपर पेपर लगाएं, क्योंकि हमें कटिंग वर्क ईजी होता है। तो देखो, अब मैंने पेपर इस पर लगा लिया है और एक जो मैंने पेपर बेस बनाया था उसको हम कट करेंगे। तो ये कट करने के लिए बहुत ही ईजी मेथड है, इस तरह से कट कर सकते हैं। आप भी जो भी चाहे पैटर्न्स बनाकर लगा सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल आपको पेपर पट्टियाँ जो है होती हैं उसको कटिंग करके लगा रहे हैं, बच्चे ईजी कर सकते हैं उसको। ये जो पेपर आते हैं फोर साइज पेपर, कलर पेपर ले लें आप, घर में न्यूज़पेपर से भी कर सकते हैं या ऐसे कलर पेपर लेकर भी कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई आप अपने फ्लावर्स जो बनाते हैं उस हिसाब से लेना चाहिए, 14x2 यानी 14 सेंटीमीटर लेकर, और चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इस तरह की पट्टियाँ बना कर लें, चिपकाते वक्त ईजी होते हैं। 2 कलर्स मैंने यहाँ लिए हैं, आप चाहे इतने कलर्स उसको ऐड कर सकते हैं, 2 कलर 3 कलर, एक लेयर के बाद दूसरा कलर डिफरेंस, इस तरह भी ले सकते हैं। मैं यहाँ एक के बाद एक कलर, एक डार्क एक लाइट लेकर आपको समझा रही हूँ। यहाँ देखो, इसको जो हमारा कार्डशीट था इसे ग्रीटिंग कार्ड्स जो आते हैं उसको ले सकते हैं, वेडिंग कार्ड्स आते हैं उसको ले सकते हैं, आप पुराने बॉक्स वगैरह का भी कार्ड बेस बना सकते हैं इस तरह से। तो थोड़ा जाड़ा रहता है जो थिक रहता है तो अच्छा रहता है, वरना फोल्ड होते हैं। ऐसे पेपर लेकर आपको ये पट्टियाँ एक के बाद एक चिपका, जो राउंड हमारा बना है उसके आधा इंच हम सर्कल बनाकर भी ले सकते हैं, आधा इंच इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ बता रही हूँ, सेम साइज़ की पट्टियाँ होनी चाहिए, इस तरह से लगा दें। अगर निशान बना कर लें सर्कल तो ईजी रहता है, करेक्ट एडजस्टमेंट करना हमें ईजी होता है। तो इस तरह पट्टियाँ लगा लें कलर कलर के। पहला राउंड मैंने इस तरह से लगा लिया है, एक लाइट कलर एक डार्क कलर। आप टोटली 1 कलर राउंड में लगा सकते हैं एक ही कलर, और सेकंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। तो एक बार इस तरह से लगा लेने में इजी होता है। तो आप देखिए फेविकोल आकर मैं इसको फोल्ड करके इस तरह से फिर से प्रेस कर रही हूँ। तो ईजी मेथड है, अब आप छोटे बच्चे भी इसको कर सकते हैं, या आप जैसे प्रतिभा करेंगे कॉम्पिटिशन होते हैं, पेपर क्राफ्ट बहुत जल्द और ईजी होता है, देखने में भी अच्छा लगता है, तो मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से ये फोल्ड करने के लिए बच्चे आराम से कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन में कर सकते हैं, घरों में भी अपने डेकोरेशन के लिए संडे वर्क एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ देखो मेरा जो फर्स्ट बेस जो है तैयार हो गया, ईजी है, पट्टियाँ कट के ऊपर से फोल्ड के हो गया। सेकेंड राउंड जो है मैंने उसी कलर का लिया है, आप डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं, एक बार लगा कर देख लें पट्टियाँ किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद उसको सर्कल बनाएं, क्योंकि इस तरह करने से एक ही साइड में पट्टियाँ बराबर से राउंड में लगती हैं सर्कल में। अब इसी को एक को लगा कर आप पट्टियाँ एक के बाद एक अटैच करते हैं। टाइट पेपर अगर लेंगे तो फोल्ड नहीं होता, इसके लिए थोड़ा सा थिक पेपर ले लें, ये बराबर फोल्ड प्रेस नहीं होते, उस तरह से होते हैं ऐसे। तो ये देखो सेकेंड राउंड मैंने लगाया थोड़ी दूरी पर, एक इंच छोड़ कर भी लगा सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी होना इसके लिए मैं थोड़ा दूरी पर ले ली हूँ, क्योंकि मीडियम को फास्ट करना है और आपको फास्ट दिखाना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लिया।
आप एक इंच या डेढ़ इंच भी लेकर कर सकते हैं। तो सेकेंड राउंड में मेरा फिनिश हो गया। अभी इसको इसी तरह जैसा पहला राउंड हमने फिनिश किया था, सेकेंड राउंड भी इसी तरह फिनिश करेंगे। पहले पट्टियाँ लगा लेंगे, उसके बाद हम उसको फोल्ड करते जाएंगे। पहले जो है हमें पट्टियाँ कट कर लेना बहुत अच्छा होता है। एक दो शीट लगते हैं, दो दो शीट के पेपर्स कट कर लें, उसके बाद हमें आराम से लगा सकते हैं। फेविकोल अच्छा रहे, गम लें तो गम क्या होता है वो लगता नहीं है जल्दी, प्रेस नहीं होते, तकलीफ़ होती है, तो हमें फेविकोल लेंगे तो बहुत बेहतर रहता है, जरा जल्दी प्रेस होता है, जल्दी चिपकते हैं। तो सेकेंड राउंड देखिए, इस तरह तीन या चार राउंड भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चार राउंड कर सकते हैं। मैं आपको तीन राउंड में बताई हूँ कि जल्दी से मेरा वीडियो फिनिश हो सके। इसके बाद देखिए लास्ट जो है, फिर मैंने इसी तरह से डेढ़ इंच का मार्जिन छोड़ दिया है और उसके ऊपर पट्टियाँ लगाकर इस तरह से चिपकाया। इसको सेंटर में लगाने के लिए आप फ्लावर बनाना है। ये देखो इजी फ्लावर है, आप घर में भी फ्लावर बनाकर लगा सकते हैं, यानी फ्लावर पॉट के भी। तो मैं यहाँ कटिंग लगा कर, यहाँ जो चाहे वो कलर यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से इसको डेकोरेशन करें। तो देखो मैं आपके सामने ये जो है वॉल हैंगिंग तैयार है। इसको कितने भी एक बड़ा साइज और एक छोटा छोटा इस तरह भी कर सकते हैं, झूमर लगा कर भी कर सकते हैं। ये देखो अभी इसको नीचे से आप वो झूमर भी लगा कर सकते हैं। मैंने दो ही इसमें बताया है आपको, एक बड़ा फ्लावर बनाया, एक छोटा। ये झूमर लगाएंगे तो भी और भी अच्छे लगते हैं। बस इतना ही, थैंक यू।